कल तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीट पर होगा मतदान। 17 करोड़ 24 लाख मतदाता करेंगे अपने मत का इस्तेमाल। करीब 1,85,000 होंगे पोलिंग बूथ। सेफई में मतदान को लेकर जबरदस्त तैयारियां। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई गई रंगोली, लिखा वोट फॉर इंडिया। धुबरी में नाव से पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए रवाना। पोलिंग पार्टियों के साथ देखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। कल गुजरात से के 25 असली सीटों पर होगा मतदान। दूरदराज के मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां। अहमदाबाद के हायर सेकेंडरी स्कूल में कल डाले जाएंगे वोट। मतदाताओं की सुविधा के लिए टेंट की व्यवस्था। दक्षिण गुजरात की नवसारी, बारडोली और वलसाड सीट पर होगा मतदान। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रों पर पहुंचाई गई ईवीएम मशीनें। वडोदरा में ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंची टीमें। प्रशासन ने केंद्रों पर गर्मी से बचाव के किए इंतजाम। सभी मतदान केंद्रों पर की गई पेयजल की व्यवस्था। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने हिस्ट्रीशुटर बदमाशों पर की कार्रवाई। देवघर में डिप्टी कमिश्नर ने पोस्टल बैलेट पेपर के लिए काम करने वाले अधिकारियों को दी ट्रेनिंग। सिखाया बैलेट की गिनती और गलतियों से बचने का तरीका। लातूर में पूरी हुई मतदान की तैयारियां। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की 28 टीमें तैनात। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश में गरजे पीएम मोदी, कहा वाईएसआर कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार फुल स्पीड में है लेकिन विकास पर ब्रेक लगा हुआ है। कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज, कहा नतीजों से पहले कांग्रेस ने मानी हार। वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के विकास को पीछे किया। झारखंड में ईडी की कार्रवाई, मिले नोटों पर बोले पीएम मोदी, कहा जिनके पास नोटों के पहाड़ मिलते हैं वो कांग्रेस के प्रथम परिवार के सदस्य। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस और ईडी गठबंधन, आए दिन ईडी चिल्लाते हैं। कांग्रेस ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बनाया। ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है। ओडिशा के बहरामपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। मंच से लोगों को बीजेपी के घोषणा पत्र को लागू करने के लिए दी मोदी की गारंटी। चुनावी मंच से ओडिशा की प्रदेश सरकार को लेकर पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा। 4 जून को बताई बीजेडी की एक्सपायरी डेट। 4 जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। पीएम मोदी ने ओडिशा में जल्द नई सरकार की कही बात, बोले 6 जून को ओडिशा में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का होगा चयन। 10 जून को भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। झारखंड में मिले नोटों को लेकर भी पीएम मोदी विपक्ष पर साधा निशाना, बोले झारखंड में मिल रहे नोटों के पहाड़। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी विपक्ष को घेरा, कहा जनता की पाई पाई बचाने में लगा हूं, लूट रोकने पर वे गाली देते हैं। पीएम मोदी की चेतावनी, बोले एक भी पाई किसी को खाने नहीं दूंगा, जो खाएगा जेल जाएगा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर में अमित शाह ने चुनावी रैली को किया संबोधित, बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। राम मंदिर प्रतिष्ठा में ममता बनर्जी के नहीं शामिल होने पर अमित शाह ने किया कटाक्ष, का घुसपैठियों के वोट बैंक के डर से नहीं आई ममता दीदी। पश्चिम बंगाल के नादिया के कृष्णानगर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों का दिखा सैलाब। बिहार के उजियारपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने की जनसभा, बोले एनडीए गठबंधन सत्ता में आए तो बिहारी नहीं बल्कि देश भर में लालू जैसा जंगल राज कायम होगा। बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने किया रोड शो, बोले पीएम मोदी की अगुवाई में जनता को विश्वास, गरीबों का कल्याण और नारी शक्ति का होगा सम्मान। ओडिशा के गंजम में बीजेडी नेता वीके पांड्या ने किया रोड शो, लोगों से मांगा समर्थन। संबलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने ढेगानाल में निकाली रैली। कामाख्या नगर से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न जैना के लिए की वोट की अपील।
तेलंगाना के पेड्डापल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। तेलंगाना के महबूबाबाद में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैली को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी अजमीरा सीताराम नायक के लिए मांगा जनता का समर्थन। मुंबई में बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम की रैली में के दौरान शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की, पुलिस ने किया बीच बचाव। हरदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा, हरदोई से बीजेपी के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। शाजापुर में सीएम योगी ने की पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना, बोले बीते 10 सालों में बदली भारत की तस्वीर। खरगोन के देवी श्री लालबाई फुलबाई मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। रायबरेली में कार्यकर्ता सम्मेलन को प्रियंका गांधी ने किया संबोधित, दानदाताओं को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी की रैली, भारी जनसैलाब के बीच कांग्रेस जिंदाबाद के लगाए नारे। तेलंगाना के नागर कुरनूल में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने किया रोड शो, हजारों की उमड़ी भीड़। पंजाब के संगरूर में सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब के 70% खेतों को मिलेगा नहर का पानी, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना देने की गारंटी। दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली को भी मिली स्टार कैंपेनर की सूची में जगह। चंडीगढ़ में अकाली दल को बड़ा झटका, लोकसभा उम्मीदवार हरदीप सिंह ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस ने भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को दी बड़ी जिम्मेदारी, रायबरेली से भूपेश बघेल, अमेठी में अशोक गहलोत, एआईसीसी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने चाचा राजा राम सोरेन के श्राद्ध कर्म में पहुंचे, मुंडन संस्कार में हुए शामिल। आरजेडी सुप्रीमो के हमनाम लाल प्रसाद यादव ने रोहिणी आचार्य के समर्थन में स्मारण से वापस लिया नामांकन, आरजेडी सुप्रीमो के आग्रह पर वापस लिया नामांकन, अब महाराजगंज से लड़ेंगे चुनाव। शाजापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया चुनाव प्रचार, मांगा जन समर्थन। उन्नाव में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, गिनवाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। लखनऊ में सीएम योगी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, कहा कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के बयान को बताया जवानों की शहादत को अपमान करने वाला, कहा ऐसे बयान देशद्रोहियों को बढ़ाते हैं दुस्साहस। बिहार के वैशाली से बाल सन्यासी बाबा ने किया नामांकन, रामराज लाने की कही बात। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा से प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने भरा नामांकन। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने नामांकन से पहले किया रोड शो, ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे नामांकन करने। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले फरीदाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, यूसीसी हमारा संकल्प है। महाराजगंज से कांग्रेस उम्मीदवार आकाश सिंह ने दाखिल किया नामांकन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, मंच से बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, बोले 150 सीट भी नहीं जीतेगी बीजेपी। राहुल गांधी ने इसे बताया संविधान बचाने का चुनाव, बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश करने का आरोप। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा के उपचुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन, साथ में पत्नी सुमन सैनी भी रही मौजूद। फरीदाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने भरा पर्चा, अपनी जीत को लेकर जताया भरोसा। दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दाखिल किया नॉमिनेशन, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय संजीव झा मौके पर रहे मौजूद।
भारतीय महिला रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। विश्व एथलेटिक्स रिले टूर्नामेंट में 4x400 मीटर रेस में हासिल किया दूसरा स्थान। ओलंपिक सिद्धार्थ और संजय ने दिखाई जाबाजी। वसोरवा बीच पर समुद्र में डूबते दो बच्चों को बचाया। सीआईएससी बोर्ड के 10वीं बारहवीं के परिणाम घोषित। लड़कों के मुकाबले एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। इस साल करीब 2.5 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। कोटा में रंग लाई मेहनत। कोचिंग के बाहर जूस की दुकान चलाने वाले की बेटी करीना ने जेईई एडवांस के लिए हुई क्वालिफाई। एक बार फिर इतिहास रचेंगी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। 12 साल बाद करेंगी अंतरिक्ष की यात्रा। सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से जाएंगी अंतरिक्ष।